एक मॉन्स्टर जो इंसानों को एक गांव से उठा के ले जाता और उनके मांस को मॉन्स्टर की दुनिया में बेचकर खूब सोने के सिक्के कमाता। गांव के लोग उसके आतंक से परेशान हो चुके थे, इसलिए एक दिन उन्होंने एक योजना बनाई। देखो भाई, इस मॉन्स्टर को मारने का सिर्फ एक उपाय है। वो क्या है? वो ये है कि हम उसके साथ एक सौदा कर लें। कौन सा सौदा और कैसा सौदा? कल जब वो आएगा तो मैं मॉन्स्टर से खुद बात कर लूंगा। अबे तू कहीं सबको मरवा मत दियो। तू चिंता मत कर, कल खुद देख लियो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन पतलू उस मॉन्स्टर को बोलता है, भाई तुम रोज कई इंसान को ले जाते हो, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी योजना है। वो क्या है? भाई तुम रोज हम में से एक को ले जाना, हम खुद किसी एक इंसान को तुम्हारे लिए इस पेड़ पर बांध कर चले जाएंगे। अच्छा, ये तो और भी अच्छा है, मुझे पकड़ने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखा मोटू कितना सही काम किया मैंने। बेवकूफ, ये तो तूने मौत को खुद ही बुलावा दे दिया। चल फिर आज मैं तुझे ही ले चलता हूँ। नहीं नहीं, मॉन्स्टर उनकी एक नहीं सुनता और मोटू पतलू के साथ साथ गांव के दो और आदमियों को उठा लेता है। आज तो मौज ही आ जाएगी, खूब सोने के सिक्के मिलेंगे। गांव के लोग मॉन्स्टर से छुटकारा पाने के लिए एक लड़के के पास जाते हैं, जिसका एक मॉन्स्टर दोस्त होता है। ये मॉन्स्टर एक अच्छा मॉन्स्टर होता है। अगले दिन वो अच्छे मॉन्स्टर को एक इंसान का मेकअप करके बुरे मॉन्स्टर को सौंप देते हैं, और फिर रास्ते में ही ये अच्छा मॉन्स्टर बुरे मॉन्स्टर को मार डालता है। इस तरह गांव के लोगों को उस बुरे मॉन्स्टर से छुटकारा मिल जाता है।